खबर सामने आ रही है जहां पर लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर नागौर से सामने आ रही है जहां पर पेड़ से बांधकर चोरों की जमकर पिटाई की गई है। गांव वालों ने दो चोरों को बेरहमी से पीटा है, जिसके बाद अब यह बड़ा मामला सामने आते हुए दोनों आरोपी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे, जिसके बाद आक्रोशित गांव वालों ने जमकर उनकी धुनाई कर डाली। डेगाना के निम्बोला खुर्द गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मारपीट को लेकर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इंसानियत को शर्मसार करती ये तस्वीरें हैं। हालांकि चोरी करते हुए रंगे हाथ अगर चोर पकड़े भी गए थे तो गांव वालों को चाहिए था कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दी जाती, बजाय कानून को अपने हाथ में लेने को, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें आए दिन देश के अलग अलग क्षेत्रों से बेहद आम हो गई है, जहां पर भीड़ का एक तबका कानून को अपने हाथ में लेते हुए खुद ही सजा का ऐलान कर देता है। ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मारपीट का ये पूरा मामला, जहां पर नागौर में पेड़ से बांधकर चोरों की जमकर पिटाई की गई और वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पिटाई का ये पूरा वीडियो अपने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर अब वायरल कर दिया है। तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें, दोनों आरोपियों को गांव वालों ने रंगे हाथों पकड़ा था। डेगाना के निम्बोला खुर्द गांव की पूरी घटना, जहां पर चोर चोरी करने के लिए पहुंचे थे। सुशील कुमार सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, चोरी की पूरी घटना नागौर से सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में? देखिए, ये जो पूरा मामला है डेगाना उपन क्षेत्र के निम्बोला खुर्द गांव का है, जहां पर चोरी करते रंगे हाथों दो जने को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इस पर मौके पर ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पेड़ से बांधकर उनकी जमकर पिटाई की और पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस के अधिकारियों मौके पर अब पहुंचे इस पूरे मामले में, दोनों युवकों से भी पूछताछ की जा रही है, इसके साथ ही ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, इसके साथ ही पुलिस ने भी इस पूरे मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है।